हजारों ट्वीट मुख्यमंत्रियों के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ होंगे, सरकार के खिलाफ होंगे, ये आप करते हैं। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके देश के प्रधानमंत्री साइकोपैथ कहते हैं। सिर्फ एक ट्वीट करने पर 50 बंदे की पुलिस चले जाती है इलीगल तरीके, उन्होंने बिना दस्तार वो सिर पर रखने का टाइम ही नहीं दी, एक सीट के लिया है, वो बजुर्ग प्यो नाल मारपीट की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा स्पष्ट ऑर्डर है कि दिल्ली के किसी नागरिक को दूजे सूबे की पुलिस बिना दिल्ली पुलिस को इनफॉर्म किए गिरफ़्तार नहीं कर सकती। ये जड़ा इन्होंने इलीगल काम किया है, ये जड़ा इन्होंने किडनैपिंग की है, वो खिलाफ़ परचा दर्ज हो गया। अब पूरा हिंदुस्तान हस रहा है साढ़े से। तजिंदर बग्गा दिल्ली का रहने वाला है, उन्हें एक ट्वीट किया, दिल्ली के नागरिक ने ट्वीट किया दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, दिल्ली के नंबर के फोन तो पंजाब पुलिस का की लेना देना, पंजाब पुलिस उत्ते अंडे लैन गई है। बड़े फैसले के जिहड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, पर दूजे पासे विरोधियों का कहना है कि पंजाब सरकार बदलाव नहीं बदले की राजनीति कर रही है। तो तुहानू दस दईए कुमार विश्वास अलका लामा तो बाद अज भाजपा आगू जिहड़े दिल्ली के हैगे हैं उन्होंने गिरफ़्तारी करन ते पंजाब का माहौल भी जिहड़ा गरमा गया। तो साढ़े नाल भाजपा लीडर सुभाष शर्मा मौजूद ने। शर्मा जी की कहना तुसीं इहदे बारे, जिहड़ा अज की पंजाब पुलिस की कार्रवाई जिहड़ी है उत्थे जाके कीती गई है? बहुत ही मंदभागी है, शर्मसार करने वाली है, लोकतंत्र का घान करने वाली है, बोलन की आज़ादी का घान करने वाली है। जिहड़ी सरकार बाबा साहब अंबेडकर की गल करती है, भगवंत मान साहब ने फोटो लाई है पिछे बाबा साहब की, भगत सिंह की, बाबा साहब तो बोलन की आज़ादी के पैरोकार से, संविधान आर्टिकल शामिल किया उन्होंने, और तुम बोलन की आज़ादी का घान कर रहे हो। कि कसूर है तजिंदर बग्गे का? एक ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ, हजारों ट्वीट मुख्यमंत्रियों के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ होंगे, सरकार के खिलाफ होंगे, ये आप करते हैं। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके देश के प्रधानमंत्री साइकोपैथ कहते हैं, तुहाडे ते तां कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया, और तुसीं सिर्फ एक ट्वीट करन ते 50 बंदियां दी पुलिस चले जाती है इलीगल तरीके नाल, उन्हूं बिना दस्तार वो सिर पर रखने का टाइम ही नहीं दिंदी, एक सीट के लिया है, वो बजुर्ग प्यो नाल मारपीट की जाती है, दिल्ली पुलिस को बिना इनफॉर्म किए इलीगल है, इलीगल है। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा स्पष्ट ऑर्डर है कि दिल्ली के किसी नागरिक को दूजे सूबे की पुलिस बिना दिल्ली पुलिस को इनफॉर्म किए गिरफ़्तार नहीं कर सकती। ये जड़ा इन्होंने इलीगल काम किया है, ये जड़ा इन्होंने किडनैपिंग की है, वो खिलाफ़ परचा दर्ज हो गया। अब पूरा हिंदुस्तान हस रहा है साढ़े से। और क्यों किया मैं दसो ना? तजिंदर बग्गा दिल्ली का रहने वाला है, उन्हें एक ट्वीट किया, दिल्ली के नागरिक ने ट्वीट किया दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ़, दिल्ली के नंबर के फोन तो पंजाब पुलिस का की लेना देना, पंजाब पुलिस उत्ते अंडे लैन गई है, इन्हों का की लेना देना? यह क्यों मुकदमा दर्ज करते पे ने? कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ 50 लोग ट्वीट करते, उन्होंने मुकदमा दर्ज करेंगे? अरे देश के इन्ने सूबे ने, उन्होंने खिलाफ हजारों ट्वीट मुख्यमंत्रियों के खिलाफ होंगे, सारे मुकदमे दर्ज करी जाओ, पंजाब पुलिस ने इसे काम च ला दो, पूरे हिंदुस्तान का ठेका ले रहे इन्होंने। मैं दसो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हालत बिगड़ रही है, रोज़ कतल हो रहे हैं, रोज़ लुट्टा खूह हो रही हैं, फिरोजपुर तो चल के अतवादी पूरा पंजाब लंघ गए, हरियाणा पुलिस उन्होंने फड़ रही है, तुहाडी पुलिस नूं पता नहीं, पटियाले के अंदर एड्डा वड्डा दंगा हो गया तुहानूं पता नहीं, तुसीं सुत्ते पए सी गृहमंत्री साहब मुख्यमंत्री साहब, तो तुसीं पुलिस लाई हुई है केजरीवाल उन्हें फड़ लियाओ, बग्गे नूं पुलिस फड़ लाई हुई है, अलका लांबा के दुआले हो जाओ पुलिस लाई हुई है, कुमार विश्वास नूं फड़ लियाओ। ये जड़ा बोलन की आज़ादी का घान करन दा काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल, और बदकिस्मती की गल है भगवंत मान ने पंजाब की गैरत पंजाब की अनख जिहड़ी आ केजरीवाल के चरणों च रखती है, और अज सारा हिंदुस्तान साढ़े ते हस रहा है। शर्मा जी इस मामले के वैसे तो पंजाब पुलिस के खिलाफ भी किडनैपिंग का जिहड़ा केस दर्ज हो गया, पर जिहड़े मालविंदर कंग है जिहड़े आम आदमी पार्टी के लीडर, उन्हां दा कहना कि 5 बार जिहड़ा नोटिस भेजा गया सी ते वो जांच दे विच शामिल होए तां करके अज ये कार्रवाई जिहड़ी कीती गई। मैं कहना जी पहली गल तो यह कि मुकदमा दर्ज ही क्यों किया है? पंजाब का की लेना देना तजिंदर बग्गे नाल ते अरविंद केजरीवाल नाल? किसी सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ उस सूबे का नागरिक कुछ बोल रहा है, वो ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है, उस बहस च नहीं जाना। पंजाब पुलिस का की काम है? क्योंकि तो अपने आकों को खुश करना है तुसी? क्यों मुकदमा दर्ज किया? ये झूठा मुकदमा है, और सारे नोटिसेस का जवाब दिता है, और जिहड़ी तुहाडी अज्ज कार्रवाई है ये बिल्कुल गैर कानूनी है पुलिस की, इस करके किडनैपिंग का परचा हो गया, तुसी पंजाब की पुलिस के कर्मचारियों से परचा करवाता सिर्फ अपने आकों को खुश करने लिए। इस करके भगवंत मान साहब चेत जान, ये केजरीवाल तो हले भी छुटकारा पा लैन, नहीं तो रोज़ इस प्रकार का तमाशा पंजाब होएगा। शर्मा जी पटियाला हिंसा की गल करिए, मालविंद कितने ना कितने जी हिंसा हुई, इसके तार जो बड़े अकाली सॉरी जे बड़े भाजपा लीडर उन्होंने नाल भी जुड़े हुए हैं। ये देखो ये पूरी हिंसा जी है, गृहमंत्री जो सा मुख्यमंत्री भी है वो नलैकी का प्रतीक है। 7 दिन तो सोशल मीडिया दोनों धिर एक दूजे के खिलाफ बोल रही, क्यों कार्रवाई नहीं की? किन्ने रोकया किड़ी धिर रोक रही थी इन्हों? अरे तू गृहमंत्री है भगवंत मान, तू मुख्यमंत्री है, तू कार्रवाई कर। AIG इंटैलीजेंस रिपोर्ट दे रहा है,
डीजीपी इंटैलीजेंस रिपोर्ट दे रहा कि उत्थे हिंसा हिंसा हो सकती है, प्रिवेंटिव एक्शन लो, क्यों नहीं लिया? कार्रवाई तुसी नहीं की, पुलिस तुहाडी निकम्मी है, नलायक है, दोष तुसी मढ़ी जांदे हो दूजियां दे सिर ते, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जे पंजाब दे माहौल नूं किसे तों खतरा है तो खतरा अरविंद केजरीवाल तो है, जिहड़ा पंजाब दा इस्तेमाल अपनी सियासी बदलाखोरी लई कर रहा है। और जिस प्रकार का बयान पन्नू साहब ने दिता, जिहड़ी चिट्ठी पन्नू साहब ने दिती है कि खालिस्तानियां दे फंडिंग नाल आम आदमी पार्टी सरकार बनी, और जांच होनी चाहिए है। कौन है पंजाब दे माहौल नूं खराब करन वाला? यही लोग ने। ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप, हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरों के लिए फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम के उत्ते खबरों के नाल नाल वीडियो देखने के लिए फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।